महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कानून 2005 के तहत गांव के सभी अकुशल मजदूरों को साल में 100 दिन का रोजगार मिले। इसी के तहत जिला पूर्वी सिंहभूम पुटका प्रखंड के अंतर्गत गलकपुर पंचायत के गलकपुर गांव के टोला केंद्रमुड़ी में वित्तीय वर्ष 2011-12 में मनरेगा के तहत सिंचाई कुआं का खुदाई हुआ, लेकिन आज 5 साल होने के बाद भी रोजगार सेवक एवं प्रखंड के कर्मचारियों के लापरवाही से कुआं अधूरा है। सिंचाई कुआं जो स्टार्ट हुआ लगभग बंद करके 4-5 साल लगभग हुआ है, और ठीक से मजदूर का परमिट भी नहीं मिल रहा था, इसीलिए मजदूर लोग भी नहीं काम कर रहा, और इसका जो काम करवा था वो राकेश गुप्ता जी काम करवा रहा था, जो रोजगार सेवक था। जितना काम कर रहा था मजदूर लोग, उन लोगों को भी परमिट सही ढंग से नहीं मिला अभी तक। और जब हम लोग जाते हैं उसके घर तो बोलते हैं कि काम होगा होगा जल्दी होगा, तो इसीलिए अभी तक बंद पड़ा हुआ है। पूरा नहीं हुआ तो आप लोग को क्या दिक्कत है? बस दिक्कत ये है कि वहाँ बेड बकरे घुस जाता है, और यानी कि डूब जाता है, तो उसका भरपाई भी हम लोग को करना पड़ रहा है। ये तो जब मुख्य इलेक्शन हुआ उसका बाद ये सिंचाई कुआ सब योजना सब पास हुआ, उसका बाद ये मनरेगा के तहत पर हो रहा था, और ये रोजगार सेवक और ग्राम सेवक इन दोनों का नाम पर ही एग्रीमेंट हुआ है। जबकि कुछ दिन काम हुआ, काम होने के बाद अब पता नहीं रोजगार सेवक किस ये पैसा के नाते बंद किया कि अब लेबर का दिक्कत के चलते बंद किया, ये तो हम लोग को मालूम नहीं। लेकिन इसमें जो तकलीफ तो हम गांव वाले को बहुत होता है, जैसे कि जानवर सब आके घुस जाता सड़ जाता है तो फिर पता चलता है। मैं वीडियो देखने वालों से अपील करती हूँ कि पूर्वी सिंहभूम उपायुक्त अमिताभ कुशल जी को 06572431002 पर फोन करके दबाव डालें ताकि सिंचाई कुआं का निर्माण कार्य पूरा हो जाए। जिला पूर्वी सिंहभूम से मैं तुलसी हेम्ब्रम, इंडिया अनहट के लिए।